शहीद यादव की पुण्यतिथि पर शहादत को किया नमन, शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन किए अर्पित। खरगोन में अमर शहीद राजेंद्र यादव की पुण्यतिथि पर गुरुवार को शहादत दिवस के रूप में मनाई गई। ग्राम गुगरिया खेड़ी स्थित शहीद स्मारक पर सुबह श्रद्धांजलि सभा रखी गई। यहां एसपी एसडीएम सहित आमजनों ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। शहीद राजेंद्र यादव ने वर्ष 1999 में कारगिल क्षेत्र में युद्ध के दौरान 30 मई को शहीद हुए थे। उसके बाद से हर साल यहां पुण्यतिथि कार्यक्रम हो रहा है। एसपी धर्मराज मीना, एसडीएम भास्कर गाचले, एएसपी सहित पूर्व सैनिक, एनसीसी कैडेट, ग्रामीणों आदि ने शहीद राजेंद्र के स्मारक पर पुष्प गुच्छ अर्पित कर उनकी शहादत को नमन किया। इस दौरान सलामी भी दी गई। शहीद के सम्मान में पुलिसकर्मियों ने शस्त्र उल्टे कर मातमी धुन के साथ श्रद्धांजलि दी। शहीद के परिजन और शहीद की पत्नी प्रतिभा यादव भी मौजूद थी। खूबसूरत और परम सद्भाव धरती के घुघरिया खेड़ी के अमर शहीद वीर बलिदानी श्री राजेंद्र यादव जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के उपरांत वीरांगना श्रीमती प्रतिभा देवी यादव जी और उनकी बेटिया मेघा, आप सबको भी मैं अपना प्रणाम करता हूँ कि आपने देश के लिए वो दिया है जो किसी भी माँ के लिए, किसी भी बेटी के लिए, किसी परिवार के लिए गर्व की बात होती है। और पीढ़ियों तक, युगों युगों तक ऐसे शहीदों को उस कार्य के लिए नमन किया जाता है जिस कार्य के लिए माएँ अपने बेटों को पैदा करती हैं। सौभाग्य से मैं भी उस धरती से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान की धरती से, जहाँ पे करगिल युद्ध में गांव में आसपास में हर रोज़ कोई न कोई शहीद हो रहा था। हम लोग डेफिनेटली छोटे बच्चे रहे हैं उस समय, लेकिन हर रोज़ कहीं न कहीं सेना की गाड़ी आती थी और कोई कॉफिन लेके आती थी और उसका अंतिम संस्कार होता था, सलामी लगती थी, हम लोग जाते थे। बड़ा कौतूहल का विषय होता था जब हम लोग छोटे थे। आज इस गांव में शहीद हुआ, आज उस गांव में शहीद हुआ, यहां जान के बड़ी एक अंदर से गर्व की अनुभूति हुई कि अमर शहीद श्री राजेंद्र यादव जी टोलोलिन पहाड़ी पे युद्ध के दौरान जो पाकिस्तान ने घुसपैठिए हमारे देश की सीमाओं में घुस गए थे, उन घुसपैठियों को मारने के उपरांत उन्होंने शहादत हासिल करी। डीजीएन न्यूज में रिपोर्ट खरगोन। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डीजीएन न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।